CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक इब्तिदाई उर्दू के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम लड़का लड़की एक समान। मुन्नी और गुड्डू भाई बहन थे। एक दिन मुन्नी ने आम के पेड़ पर चढ़कर एक आम तोड़ा। उसका मिट्ठू उसके साथ था। मुन्नी घर आई ताकि आम को अपने भाई गुड्डू के साथ मिलकर खा सके। माँ ने आम के दो हिस्से किए, एक बड़ा और एक छोटा। बड़ा हिस्सा गुड्डू को दिया और छोटा मुन्नी को। मुन्नी को ये अच्छा नहीं लगा। उसने माँ से शिकायत की। माँ बोली, बेटी क्या तुम नहीं जानती कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है? मुन्नी ने पूछा, क्यों? इसलिए कि वो ज्यादा मेहनत का काम करते हैं। ये सुनकर मुन्नी चुप हो गई। दोपहर में खाने के वक्त भी मुन्नी ने देखा कि माँ का ध्यान गुड्डू की तरफ ज्यादा है। माँ ने उसे अंडा दिया था और मुन्नी को नहीं दिया था। मिट्टू को भी ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। जब सब हाथ धोने गए तो मिट्टू ने अंडे के दो हिस्से किए और आधा आधा अंडा गुड्डू और मुन्नी की प्लेटों में रख दिया। वापस आकर माँ ने देखा तो मुन्नी से कहा, मुन्नी अंडा गुड्डू को वापस दे दो। मुन्नी डर गई और अंडे का आधा टुकड़ा भी गुड्डू की प्लेट में रख दिया। अब्बा को ये बात अच्छी नहीं लगी। वो बोले, मुन्नी और गुड्डू दोनों बढ़ती उम्र के बच्चे हैं, दोनों में फर्क नहीं करना चाहिए। ये कोई नई बात नहीं है, ऐसा तो हमेशा से होता आया है। गुड्डू को लगता था कि उसका काम मुन्नी से ज्यादा मेहनत का है, इसलिए उसको बड़ा हिस्सा मिलना ही चाहिए। वो बोला, मुन्नी का काम भी तो मुझसे आसान है। ये सुनकर मुन्नी के जहन में एक ख्याल आया। उसने कहा, कल छुट्टी का दिन है, क्यों ना हम एक दिन के लिए अपने अपने काम बदल लें? तुम मेरा काम करो और मैं तुम्हारा। गुड्डू ने उसकी बात मान ली। दूसरे दिन सुबह सुबह मुन्नी ने मिट्ठू से कहा, गुड्डू को उठा दो, उसे चूल्हा जलाना है। गुड्डू को सुबह इतनी जल्दी उठने की आदत नहीं थी। वो नींद में था लेकिन उसे उठना पड़ा। गुड्डू को एहसास हुआ कि चूल्हा जलाना इतना आसान काम नहीं। सारा धुआं उसकी आंखों और नाक में घुस रहा था। चूल्हा जलाकर उसने सारे घर में झाड़ू लगाई। गुड्डू को ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था। बड़ी बेदिली से उसने ये काम किए। अब मुर्गी के बच्चों को दाना डालना था। इस काम में भी उसे बड़ी मुश्किल पेश आई। इधर उधर दौड़ते भागते चूजों को दड़बे तक पहुंचाना आसान ना था। दूसरी तरफ मुन्नी आराम से कुछ देर बाद उठी। वो अपने मिट्ठू को लेकर पालतू गाय लाली को चराने के लिए निकलने लगी तो गुड्डू ने उससे कहा, देखो मुन्नी, ये ख्याल रखना कि लाली किसी दूसरे के खेत में ना चली जाए। मुन्नी के जाने के बाद उसने उस जगह की सफाई की जहां गाय बांधी जाती थी। फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। उसके बाद उसने घड़ों में पानी भरा। उधर मुन्नी ने गाय को चरने के लिए छोड़ दिया। उसने थोड़ी देर पतंग उड़ाई, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही, फिर एक पेड़ के साए में बैठकर आराम करने लगी। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अचानक मिट्ठू की टैं टैं से उसकी आंख खुली। वो कह रहा था,
लाली गांव के मुखिया के खेत में घुस गई है। मुन्नी लाली के पीछे भागी। लाली ने उसे खूब सताया। बड़ी मुश्किल से वो उसे पकड़ पाई। मुन्नी शाम को घर लौटी तो देखा गुड्डू बहुत थका हुआ है। उसका चेहरा उतरा हुआ था। उसे भूख भी लगी थी। माँ ने गुड्डू को दिन भर काम करते देखा था। उसे उस पर तरस आ रहा था। अब उसे लगा कि वाकई मुन्नी दिन भर कितनी मेहनत करती है। उस रात माँ ने मुन्नी को वो खाना खिलाया जो गुड्डू खाता था। मुन्नी की प्लेट देखकर गुड्डू की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, इतना काम करने के बाद ये खाना? उसकी इस बात पर सब हंस पड़े। अब ये बात उन सब की समझ में आ गई थी कि खाने में दोनों को बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए। दूसरे दिन गुड्डू ने अमरूद के पेड़ से एक अमरूद तोड़ा। घर आकर उसने आधा अमरूद काट कर मुन्नी को दिया और बोला, तुम बहुत मेहनत करती हो। उसने वादा किया कि अब वो घर के कामों में उसकी मदद किया करेगा। मुन्नी ने भी इस बात को माना कि गुड्डू का काम आसान नहीं है। मिट्टू ने अमरूद के दोनों टुकड़ों को देखा और बोला, लड़का लड़की एक समान। गौर कीजिए, बेटी और बेटे में जो फर्क किया जाता है, इस सबक में उसकी तरफ इशारा किया गया है। आखिर में मुसन्निफ ने कहा है कि काम सबके बराबर हैं, इसीलिए तोते से कहलवाया गया है कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। मश्क, लफ्ज और मानी। समान, बराबर। जहन, दिमाग। आंख लग जाना, सो जाना। चेहरा उतर जाना, चेहरे से थकन का पता चलना। तरस आना, हमदर्दी पैदा होना। सोचिए, बताइए और लिखिए। एक, ये बात माँ ने क्यों कही कि लड़कों का हिस्सा लड़कियों से ज्यादा होता है? दो, अब्बा के ख्याल से लड़के और लड़की दोनों में फर्क क्यों नहीं होना चाहिए? तीन, मुन्नी क्यों डर गई थी? चार, चूल्हा जलाते वक्त गुड्डू के साथ क्या हुआ? पाँच, माँ को गुड्डू पर तरस क्यों आ रहा था? छः, आखिर में सबकी समझ में क्या बात आई? इन जुमलों को खुश खत लिखिए। एक, इधर उधर दौड़ते भागते चूजों को डड़बे तक पहुंचाना आसान ना था। दो, फिर अच्छी तरह हाथ धोकर बर्तन मांजने लगा। तीन, कुछ देर छोटे छोटे कंकरों से खेलती रही। चार, थोड़ी देर में उसकी आंख लग गई। अमली काम, इस कहानी का दूसरा उन्वान क्या हो सकता है? अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लड़का लड़की एक समान। अकादमिक समन्वय डॉक्टर रिजवानुल हक। ध्वन्यांकन बटी लैंग लिंगडो। स्वर परवेज गौहर और शमाइला परवेज। निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती। ध्वनि संपादन, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।